दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पांच सबसे खूबसूरत और सबसे बड़े झरने यानी वाटरफॉल्स के बारे में, जिनका नज़ारा काफ़ी आकर्षक है। तो वीडियो का मज़ा उठाने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं हूँ आपका होस्ट शुभम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्ट्रेंज वर्ल्ड। तो दोस्तों नंबर पाँच पर हमारे पास है सियाड़ बाबा टेम्पल वाटरफॉल। इसे सहर बाबा वाटरफॉल भी कहा जाता है। यह वाटरफॉल चिनाब नदी के पास है। इसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट है और इसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। इसका पानी बहुत ही साफ है। यह वाटरफॉल डिस्ट्रिक्ट रियासी में है। यहाँ बहुत से टूरिस्ट आते हैं और यहाँ का नज़ारा लुत्फ उठाने वाला है। अगर आपका कभी यहाँ आने का प्लान बने तो बेस्ट टाइम अक्टूबर से लेकर नवम्बर तक का है। तो नंबर चार पर हमारे पास है बाबा डंसर वाटरफॉल। यह झरना जम्मू में कटरा के पास है। यहाँ का वातावरण काफ़ी ठंडा होता है और यहाँ काफ़ी मशहूर पिकनिक मनाने की जगहें भी है। यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा बहुत से लोग देखने आते हैं और जो प्रकृति यानी नेचर से प्यार करते हैं उनको ये जगह बहुत ही पसंद आती है। इस झरने के नीचे एक तालाब बनता है जहाँ झरने का सारा पानी इकट्ठा होता है और यह ग्रीनिश रंग का होता है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ भगवान शिव का मंदिर भी है जहाँ काफ़ी लोग प्रार्थना भी करते हैं। नंबर तीन पर है नूरी चंब। यह झरना डिस्ट्रिक्ट पुंछ में है और यह बहरमगला और चंडीमढ़ के बीच में है, जो कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे मिल्की वाटरफॉल भी कहा जाता है क्योंकि इसका पानी गिरते समय बिल्कुल सफ़ेद मोतियों के जैसा लगता है। इस झरने के पानी में सम्राट जहांगीर ने भी डुबकी लगाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने इसका नाम नूरी छम रख दिया क्योंकि उनकी पत्नी का नाम नूर जहां था। नंबर दो पर है कोकरनाग वाटरफॉल कश्मीर। यह वाटरफॉल डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है। यहाँ बहुत से सुंदर गार्डन्स भी हैं। इस झरने का पानी बहुत ही साफ होता है। यहाँ की ताज़ी हवा खाने से सेहत अच्छी रहती है। इसके किनारे पर बहुत ही जड़ी बूटियों वाले पौधे भी लगे हुए हैं, जिसके चलते इसके पानी में बहुत सी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं। यानी अगर आप इस पानी में नहाते हो तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। यहाँ आने का सबसे अच्छा वक्त जुलाई से लेकर अक्टूबर का होता है। तो लास्ट में नंबर वन पर हमारे पास है अहरवल वाटरफॉल। इसे कश्मीर का नायग्रा फॉल्स भी कहा जाता है क्योंकि इस झरने का पानी बहुत ही तेज़ गिरता है। यहाँ टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी सिक्योरिटी भी रखी गई है। इस झरने का पानी ग्रीनिश यानी हरे रंग का लगता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ के आसपास का नज़ारा भी दिल को खुश कर देने वाला है, जिसके चलते यहाँ बहुत से टूरिस्ट आते हैं। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय मई से लेकर अक्टूबर का होता है और अगर सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियों में यह झरना पूरी तरीके से जम जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसे ही लाजवाब कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसा ऐसा कंटेंट आप तक पहुँचाता रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।